चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन रीड करो। अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैन मूव ओनली ऑन द एक्स एक्सिस। अ फोर्स 10 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन इट इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एंड डिस्प्लेसेस अलोंग द एक्स एक्सिस बाय 4 मीटर वर्क डन बाय द फोर्स। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये अज्यूम कर लो ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ठीक है, और इस पे फोर्स लगाया जा रहा है x एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बनाते हुए। फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन की और ऑब्जेक्ट यहां से सपोज ये a पॉइंट है, a से b तक गया, अज्यूम करो ये b पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन ये हुआ और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू कितनी है 4 मीटर क्वेश्चन में कह रहा है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। f इज इक्वल टू f डॉट s होता है और इसको आप लिख सकते हो fs cos थीटा। F की वैल्यू 10 न्यूटन, S की वैल्यू 4 मीटर और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 से डिवाइड करें 20 जूल आ जाएगा। तो वर्क डन हो गया इस फोर्स की वजह से, ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक जो डिस्प्लेस हुआ है वर्क डन कितना किया 20 जूल का। कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट है? डी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट। बेसिक क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।